वेलकम बैक माई फ्रेंड्स टू द टू स्वीट शो। आज की इस YouTube एक्सक्लूसिव वीडियो में मैं HP Pavilion Gaming 15 लैपटॉप का एक गेमिंग सेंट्रिक, एक गेमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करूंगा। इसमें हम सारी स्पेसिफिक्स को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो हम अपने फर्स्ट इंप्रेशंस की वीडियो में कर चुके हैं। दिस विल बी मोर अबाउट माय गेमिंग एक्सपीरियंस, गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, ये गेम्स को हैंडल कैसे करता है, क्या 1650i होल्ड अप करता है मॉडर्न गेम्स के साथ, टेम्परेचर्स एंड अ होल लॉट मोर। अगर आप नए और आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिएगा। नाउ लेट्स किक थिंग्स ऑफ। जिस पर्टिकुलर मॉडल पर हम बात कर रहे हैं उसका नेम और नंबर है EC111AX और स्पेक्स में टोटली स्टैक्ड है। 16GB इसकी रैम है, 512GB SSD है जिसकी वजह से लोडिंग टाइम्स बिल्कुल शॉर्ट रहते हैं। प्रोसेसर AMD Ryzen 7 4800H है और ग्राफिक कार्ड है NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB वेरिएंट। स्क्रीन फुल HD 1080p IPS LED है विद अ क्रेजी गुड 144Hz रिफ्रेश रेट। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि करंट टाइम्स के अंदर क्या 1650 Ti होल्ड अप करता है, क्योंकि गिवन अब नेक्स्ट जेन कंसोल्स भी आ गए हैं, गेमिंग को अगर डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मजीद और नेक्स्ट लेवल पर पुश होगी। एंड यू नो मॉडर्न गेम्स आर मोर एंड मोर ग्राफिकली डिमांडिंग और जो कि सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, तो 1650 Ti पर कैसा इफेक्ट है, इसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है? और इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है मेरे पास। जो मोस्ट रिसेंटली रिलीज्ड गेम्स है उन्हें मैंने रन किया, जिसमें दी असेंट भी आती है, शर्नोबलाइट भी आती है और इवन बैक फॉर ब्लड जो अपकमिंग बहुत ही एंटिसिपेटेड गेम है उसका बेटा भी मैंने इस पर चला के देखा है और परफॉर्मेंस वाइज कोई इश्यूज नहीं मिले मुझे। हाँ, गेम की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हार्डवेयर इधर कोई तंगी नहीं देता। ये न्यू गेम्स मीडियम टू हाई पर स्मूथ 60fps पर इजीली रन कर लेता है और बैक फॉर ब्लड की एग्जांपल ले लेते हैं, मीडियम और हाई के मिक्स में 76-85fps तक मेरे आराम से गेम में आ रहे थे। इस लैपटॉप पर अगर आप रिकमेंडेड सेटिंग्स पर गेम को चलाना तो वो बेस्ट रहता है। स्लाइड टिप्स भी आते जाते रहते हैं लेकिन इट्स बेरली नोटिसेबल। स्क्रीन का लैपटॉप्स में अच्छा स्टैंडर्ड होना बहुत ही क्रिटिकल होता है और अगर आपका लैपटॉप गेमिंग सेंट्रिक हो फिर तो ये बहुत ही जरूरी है। 144Hz रिफ्रेश रेट है और वो बेहतरीन यूटिलाइज होता है। मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम्स पर काफी कमेंट पढ़े थे कि 1650 Ti 4GB वाला और 144Hz का जो रिफ्रेश रेट है ना, इट डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस। पर यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि ये बात इन अ वे गलत भी है और इधर एक सब्जेक्टिव सिचुएशन बन जाती है। कॉन्टेंट क्रिएटर जिसका अक्सर किसी ना किसी क्लासिक गेम पर वीडियो बनाने का दिल आ जाता है और बनानी पड़ती भी है, तो मेरा यहाँ पे खूब फायदा है। लेफ्ट फॉर डेड रहती है 140fps में एंड हाउ ग्रेट इज दैट। आपका भाई तो फैन है उस गेम का, मैं पागलों की तरह उसको खेल रहा हूँ। देन कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बीज़ वो भी 120 फ्रेम्स और 130 फ्रेम्स पर चलते हैं। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक ऑप्स 1 एंड ब्लैक ऑप्स 2 ज़ॉम्बी। इवन BO3 ज़ॉम्बीज़ की परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत ही जबरदस्त। मेरी जो आजकल लेटेस्ट फेवरेट चल रही है जिस पे मैं टोटली एडिक्ट हूं, स्प्लिट गेट सॉलिड 120fps की रेंज पे चलती है बहुत ही जबरदस्त सेटिंग्स पे। और ये जो कि कंपेटिटिव गेम है तो इस लैपटॉप की जो स्क्रीन है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो मेरी ही एडवांटेज में प्ले आउट। तो अगर आप कंपेटिटिव FPS शूटर खेलना चाहते हैं लाइक स्प्लिट गेट और CS:GO तो ये आपका भी बहुत फायदा देगा। हां, कुछ पुरानी गेम्स लॉक भी होती हैं 60fps पर और कई गेम्स जिनका फ्रेम रेट लिमिटर अगर आप डिसेबल कर दें तो वो भी आपको 90 और 80 इजीली फ्रेम्स दे देंगे, लेकिन इट वेरीज कि वो गेम कौन सी और उसकी सेटिंग्स क्या है। स्टोरी बेस्ड गेम्स में प्रीवियस जेन से ट्रांजिशन करके इस लैपटॉप पर जब मैंने खेली तो डिफरेंस बहुत ही मेजर लेवल का था और अब देयर इज नो वे कि मैं कभी इजीली सेटल कर पाऊंगा फॉर 30 फ्रेम्स, क्योंकि 30 से 60fps की जो जंप है ना वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की, बहुत ही कमाल है, बहुत ही नोटिसेबल है। लेकिन 60 से ऑनवर्ड्स जब हम 120 और 140 पे जाते हैं तो वो इतना नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन द मोर द बेटर। जो कि इधर स्टोरेज इटसेल्फ SSD है तो गेम्स का लॉन्च होना और एक्चुअल इन गेम जाना बहुत ही फास्ट। फिर ड्यूरिंग गेम लोडिंग्स, चेक पॉइंट्स और रीस्टार्ट्स जो हैं वो तो वैसे फील ही नहीं होते क्योंकि इसकी हार्ड ड्राइव ही SSD खुद है एंड दैट इज प्रीटी फास्ट। लास्टली थर्मल्स अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स के मामले में तो ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। इधर डिसेंट थर्मल्स हैं, मोर सो सेफ टेंपरेचर्स रहते हैं। मोस्टली वीडियो एडिटिंग और एक्सपोर्टिंग क्लिप्स लेट्स से 1080p या 1440p में अगर हम 10 मिनट के क्लिप को एडिट करते हैं ना, एक लंबे एडिटिंग सेशन के बाद जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो टेंपरेचर बड़ी हद है CPU का आपका 75 तक जाएगा और GPU जो है आपका वो तो कंप्लीटली चिल रहेगा। और गेमिंग के अंदर रिकमेंडेड सेटिंग्स पर हाई फ्रेम्स में अगर आप खेलें तो आपका टेंपरेचर 75 से 84 तक जाएगा, फ्लक्चुएट भी जरूर होगा 88 या 87 तक, लेकिन अभी तक कॉन्स्टेंटली मैंने इसको बिल्कुल भी 90s या हाई 80s पर टिके हुए नहीं देखा। 88 या 87 पर ये बिल्कुल जाता है लेकिन कभी भी उस पर स्टे नहीं करेगा। अगर स्टे करता होता तो वो एक अलार्मिंग बात होती, लेकिन आई एम वेरी
ग्लैड कि वो यहाँ पर नहीं। मैं बैक फॉर ब्लड को फुल मैक्स आउट करके हाई अल्ट्रा पे भी इस लैपटॉप पे चला गया था और फिर मेरा टेम्परेचर 90s पे स्पाइक कर गया था, बट अगेन वो फौरन ही नीचे आ गया था और कुछ सेकंड्स के लिए 90s को टच कर गया था। इसलिए मैं हाई और रिकमेंडेड सेटिंग्स को ज्यादा जो है वो प्रेफर कर। 99% ऑफ द टाइम आपके टेम्परेचर गेमिंग में 70s से मिड 80s ही होते हैं और अगेन अगर 80s तक वो जाए भी तो इट्स टोटली सेफ फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। इस लैपटॉप की तो टॉलरेंस 100 से भी ऊपर की है, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड गोइंग देयर। ये सारा रिव्यू भी मैंने बगैर किसी मॉडिफिकेशन या अंडरवोल्डिंग किए इस लैपटॉप पे बनाया, जैसे ही हमें मिला था स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। हमने कुछ ड्राइवर्स अपडेट किए थे विच इज वेरी नेसेसरी, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और फिर गेम्स को इंस्टॉल किया और वहां से जो भी हमारा एक्सपीरियंस अब तक करा है मैं बिल्कुल आपको वैसे ही बता। ये था मेरा गेमिंग सेंट्रिक रिव्यू HP Pavilion Gaming 15 का। आई होप इससे आपके सारे गेमिंग फोकस्ड क्वेश्चंस और डाउट्स दूर हो गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। ऑल इन ये बहुत ही अच्छा फास्ट और पावरफुल लैपटॉप है जिसे मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस का काम करते हैं, यू वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, फिर आपके लिए बिल्कुल जो है वो 100% सूटेबल है। यू कैन गेम, यू कैन वर्क, यू कैन डू प्रोडक्टिविटी, आप इस पे कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। इट रियली केटर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ यूज। कोई अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना है रिगार्डिंग दिस लैपटॉप, फील फ्री टू आस्क मी। अगर आपने इसे खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और साइन अप करें अपने प्री ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू क्रेजी हाई डिमांड ये ऑलमोस्ट सब जगहों से आउट ऑफ स्टॉक है। स्पेशली TTSS सब्सक्राइबर्स के लिए लिमिटेड स्टॉक अरेंज हुआ है, तो मेक श्योर टू साइन अप ताकि आपका प्री ऑर्डर जो है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। यूज कोड 2SWEET101। ऑल्सो मैं ये भी बताता चलूं कि MNP पूरे एक साल की नेशन वाइड वारंटी भी देते हैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। लाइक इट्स अ सुपर गुड एक्सपीरियंस। सो दिस वाज इट। अब मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, अगर इस वीडियो को शेयर कर दें तो वो और भी अच्छा है। एंड या अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।